प्रदेश के स्कूलों में 6 मार्च से शुरू होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग ने इंतजाम पूरे कर लिए हैं। जिले में करीब 132 परीक्षा केंद्रों पर 10वीं तथा जमा 2 कक्षाओं की बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। सभी परीक्षा केंद्रों में नकल रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों के अधीक्षक भी ड्यूटी के दौरान नकल रोकने के विशेष निगरानी सेल को भी सहयोग देंगे। निजी स्कूल के विद्यार्थियों की इन परीक्षा केंद्रों पर संख्या का आंकड़ा 2,929 तथा जमा 2 कक्षा के 2,265 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। वहीं सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की यह संख्या परीक्षा केंद्रों में 10वीं की परीक्षा में 2,782 विद्यार्थी तथा जमा 2 की परीक्षा में 2,355 परीक्षार्थी अपनी परीक्षाएं देंगे। इसके साथ ही निजी स्कूलों में परीक्षा केंद्रों की संख्या 5 है। ये परीक्षा केंद्र ब्लू स्टार स्कूल हमीरपुर, शिक्षा ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल रुढ़ाण, बाबा बालकनाथ स्कूल चकमो सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाबा बालकनाथ चकमो तथा न्यू इरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल परोल परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। वहीं शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा उपनिदेशक सोमदन सांख्यान ने बताया कि जमा 2 की परीक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग ने शिक्षा केंद्रों पर नकल पर पूर्ण प्रतिबंध है। जिला के सभी 132 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं शिक्षा विभाग का उड़न दस्ते की टीमें भी नकल के लिए परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगी। जहाँ बोर्ड क्लासेज की परीक्षाएं जो है कंडक्ट करवाई जाएंगी और उसके लिए विभाग द्वारा सारे जो प्रबंध हैं कर लिए गए हैं। विभिन्न स्तरों पर फ्लाइंग स्क्वाड्स का भी गठन किया गया है और इसके अलावा सभी सेंटर्स में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए अभी से इसमें टोटल बच्चे अपीयर हो रहे हैं। 10वीं क्लास की जहां बात है गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स को लेकर के, वो 7,591 बच्चे हैं और प्लस 2 में 7,860 बच्चे हैं।